लड्डू भी लड्डू आज भी स्कूल जा रहा है, मेरे साथ ही जाएगा और जेरी भी जाएगा, क्योंकि अभी जाएंगे हम और इसको पहुंचा के मैं आऊंगी। और इसका बैग इसकी एक बहन बोल सकते हैं, मेरी तो भतीजी लगेंगी मतलब ससुराल के रिश्ते से, तो उन्होंने इसके बर्थडे पे दिया था पिछले साल, तो अब यूज़ हो रहा है और चला गया। तुम हटो इधर, क्या हुआ क्या हुआ, बैग भारी करती है मम्मा, रिवर्स मोड में आ रहे हो। ए जेरी आओ कम। सो गाइस यहाँ पे लड्डू जी जा रहे हैं बकरी के पास। गेट अप खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, गुड बॉय। आज सारा कपड़ा गंदा है लड्डू का। उधर देखो, हाउ डज गोट सेज बकरी बकरी बकरी, कहाँ जा रहे हैं आइसक्रीम लेने? इधर आओ लो लॉलीपॉप लॉलीपॉप। आइसक्रीम उधर मिलेगा। ये जेरी हम लोग का भगा रहा है इनको। चलो भाई उसे गला फंस गया। गाइस कौन कहता है कि लड़कों बच्चों को बहन के बच्चों को बिगाड़ने में सिर्फ मौसी का हाथ होता है, सबसे बड़ा हाथ ऐसे ऐसे मामा का होता है जो कि एकदम इसको बिगाड़ दिए। भी देख लीजिए इनका करामात, आप में से कौन कौन सहमत है। सो गाइस यहाँ पे पहली बार हम लोग यहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं और ये पिज़्ज़ा इतना छोटा पिज़्ज़ा आया है ये, लेकिन चीज़ है इसमें तो अभी हम लोग खाएंगे और उसके बाद से देखेंगे कैसा आया है। कैसा है? अच्छा अच्छा मस्त। अब इतना सो गाइस यहाँ बन रहा है रील मम्मी और प्रिंस का, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यार लाइव और फिल्टर में बड़ा अंतर है। पापा आ गए अभी बुआ के घर से, उनके फादर इन लॉ का डेथ हुआ था तो अभी रिचुअल करके आ गए हैं। ओके एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ पे लड्डू जी जो हैं जेरी को परेशान कर रहे हैं, लड्डू मत करो। और अभी लड्डू आ चुका है स्कूल से और मैं जा रही हूँ अब स्कूल, क्योंकि मम्मी बोली वहाँ बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा पापा का काम वाम चल रहा है तो वहाँ पे जाने के लिए, तो मैं अभी जा रही हूँ स्कूल और फिर आएंगे 2 बजे तक। 1 बज गया, 1 घंटे हैं, तो 1 घंटे में कुछ क्लास वगैरह लेकर के वापस मैं आऊँगी। ए लड्डू, और मैं क्लास लेने जाती हूँ तो मेरा भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाता है, तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है 1 घंटे में चली जा रही हूँ। लेकिन मेरे को आज नहीं जाना था तो मम्मी बोली कि नहीं अभी चले जाओ। आ गई मम्मी भी और मैं आ गई हूँ स्कूल से, अभी जल्दी से आए हैं इसलिए कि स्कूल में कुछ टीचर अब्सेंट भी हैं, तो हम सोचे कि इसको बोल देते हैं कि जाके सोशल स्टडी का क्लास भी कर लेगी, क्योंकि वही पढ़ना भी है इसको, तो अभी ये जा रही है। मैं पहनी थी शर्ट और पैंट तो मम्मी बोले कि नहीं चेंज कर लो, तो फटाक से अभी चेंज किया। एक्चुअली चेंज करने का मन नहीं था इसलिए मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन अब थोड़ा ही टाइम बच गया तो जाऊंगी जल्दी से और जल्दी से फटाक से आएंगे और आगे का व्लॉग फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्कूल पे। सो गाइज यहाँ हम लोग निकल गए हैं स्कूल से और अभी हम लोग जाएंगे घर। तो हम लोग पैदल आज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ फल खरीदना था लड्डू के लिए और मेडिसिन खरीदना था उसका कीड़ी का दवा। और ज़्यादा देर के लिए मैं स्कूल में थी भी नहीं, अभी जस्ट गई थी 2 क्लास लिए बड़े बच्चों का और वापस आ गए। अभी बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा होगा तो घर चलते हैं। और फल वगैरह ले लिया है, अंगूर वगैरह तो प्रिंस के उसमें दिखेगा, मलाई करने आता नहीं है लेकिन फिर भी कर लिया हमने थोड़ा, और समोसा वगैरह प्रिंस ने लिया है। तो चलते हैं घर पर, देखते हैं लड्डू क्या कर रहा होगा। कैसा लगा है समोसा जी? बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया लगा। कितना लाया था? 2 सब लोग आधा आधा खा लिया है, मिल बाट के खा लिया तीनों जन, बाबू सोया है और चौथा वो भी देखिए उनको मिला है तो वो छोड़ दिए। दूध पिएगा दूध दूध सब। और मम्मी इसके ना टीका लगा दी है, देख लीजिए लोग आप लोग। इतना बड़ा आ गया मैं इसको उस टाइम से बोल रही हूँ कि प्रिंस मेरे को सपोर्ट कर दो थोड़ा इंस्टाग्राम पे। इनका आवाज आ गया होगा करके। यार देख रहे हैं कैसे कर रही है, जैसे ठेल ठेल के जा रही है। और यहाँ मैं मम्मी और प्रिंस के साथ मस्ती कर रही थी, मैं बोल रही थी प्रिंस मेरे को सपोर्ट नहीं करता है, तो प्रिंस गाने बजा रहा था ताकि मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा,
तो गाइस अब प्रिंस के उस पे जाके इतना कमेंट कीजिएगा कि सपोर्ट करो ताकि वो मेरे को सपोर्ट करे। गाइस मैं तब से इसको बोल रही हूँ इंस्टाग्राम पे मेरे को सपोर्ट कर दो, लेकिन ये इंसान नहीं कर रहा है मेरे को सपोर्ट, और कॉपीराइट लाने के लिए ये गाना बजा रहा है। जेरी मेरे को सोने नहीं दे रहा। जेरी देख सकते हैं गाइस इसको देख लेते हो। अरे काट तो ये तुम। सो गाइस यहाँ पे हम लोग की मस्ती चल रही थी, मम्मी को नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, और यहाँ पे प्रिंस बोल रहा था कि मम्मी आपका एक वीडियो वायरल हो गया, तो मम्मी बोल रही है मेरे को वायरल मत करो तुम खुद वायरल हो। तो हम लोग अपने आप पे हंसी मजाक कर रहे थे, और मम्मी कुछ गोल्ड ज्वेलरी लाई थी क्योंकि होने वाली है किसी की शादी, तो किसकी शादी होने वाली है आप लोग गेस करते रहिए, लेकिन जो ज्वेलरी है वो प्रिंस के चैनल पे पूरा दिखा है मेरे। तो वही यहाँ पे प्रिंस कैप्चर कर रहा था, और ये मम्मी ने लिया है मांग टीका। मांग टीका दिया जाता है हम लोगों के वहाँ से, किसी का भी छिकाई होता है ना या फिर सगाई पुजाई, तो उसमें मांग टीका दे दिया जाता है। तो वही यहाँ पे मम्मी ने लिया था, तो वो व्लॉग में शूट हुआ है प्रिंस के, तो मैंने कैप्चर नहीं किया। और उसी के साथ साथ हम लोग आए थे लाइव इंस्टाग्राम पे, जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है वो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए हमें, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जयसवाल सुचिता 1229, या फिर आप प्राचित स्वल से भी सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी मेरी आईडी। यहाँ पे हम लोगों ने वंदना दी और किटो से बात किया खूब सारा, और जो लोग इंस्टाग्राम पे वो लोग जानते ही होंगे यहाँ पे मम्मी मैं और प्रिंस, मेरा ही लाइव था, हम तीनों एक साथ लाइव आ गए थे इसमें ही मेरे ही इंस्टाग्राम आईडी से। और फिर वंदना दी से बात की खूब सारी, कुछ हंसी मजाक भी किया, फिर अभी किटो जी का बर्थडे आने वाला है तो उसके लिए भी वो लोग बोल रहे थे, तो बस एंड इन लोगों से तो बात किया ही किया। प्लस मेरे जो भी फॉलोअर होते हैं उन लोग वो लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो रिक्वेस्ट जब भी भेजते हैं तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मोस्टली करती हूँ, मतलब कि एक लाइव में 5-6 तो हो ही जाता है। और रिसेंटली अभी मैंने 11,000 कंप्लीट किया, तो मैं लाइव आई थी कि हाँ चलो 10,000 करने के लिए मैंने बोला था, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो हो गया। तो 10th पे तो मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं उस टाइम ट्रैवल कर रही थी, तो 11K जब हुआ तो मैं आई थी इंस्टाग्राम पर लाइव। और जो लोग भी हम लोगों से बात करना चाहते हैं उनसे हम लोग वहाँ पे फेस टू फेस बात करते हैं, मतलब वो लोग का भी वीडियो ऑन रहता है, हम लोग का भी होता है, तो हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट थे, तो ये सब मैं एक्सेप्ट करके बात भी कर रही थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।